मुझे विश मांगनी है। फिर से? हाँ, क्या मैं ज्यादा लालची हो रही हूँ? मुझे पता चला कोई प्यार में पड़ने के बाद बहुत ही लालची बन जाता है। एक विश फिर एक और, लेकिन मेरे सारे विशेस तुम्हारे लिए है। मेरे लिए है? क्या है? लेकिन ये मेरी आखिरी विश है। जाओ, मुझसे मिलना चाहता है। तो जाओ, मिलके आ जाओ। खुश रहना। विशिंग पॉन्ड, क्या आप हमारे इमोशंस और दर्द को आपस में बदल देंगे? मैं अपने सपने के लिए उसे दुख नहीं पहुंचाना चाहती। उम्मीद है वो प्यार करने की फीलिंग्स को महसूस कर सके। फिर भले ही हम एक दूसरे से अलग हो जाए, वो अकेला तो नहीं रहेगा। ऐसी ही कोंगहू की फैन बिल्कुल भी नहीं है। वो लीडा की बेटी, कोंगहू का कोच। उसे अपना नाम अपनी माँ से मिला। ये फाइल पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा। बॉस, बॉस, इसके अलावा वो दोंगदे से मिली हुई है। शुरुआत से ही वो झूठ बोलती थी। उसका मकसद तुम्हारे पास आना था। उसका गार्ड बनना भी एक झूठ था। साथ ही लियुनजू लीडा की अडॉप्ट की हुई बेटी थी। मैं जानता हूं आप सोच रहे हैं कि मुझे पहले क्यों नहीं पता चला। अभी भी देर नहीं हुई है। केसी इसे कहिए कि आपको सब पता चल गया है। आपको जो चाहिए मुझे बताइए, मैं सपोर्ट करूंगा। वो मास्क वाली लड़की भी वही होगी। इसमें लियांग का दोष है। बॉस, आप जानते हैं मैं गुस्सा क्यों हूं? लियांग, केसी, लिनवेन की वजह से। लियुनजू, लियुवे सब जानते थे। उन सब ने झूठ का जाल बुना और हम सबको फंसा दिया। वही होगी? आपका क्या मतलब है? आप जानते थे मास्क वाली लड़की वही थी? लेकिन अब मुझे यकीन है। आपको क्या हुआ है बॉस? क्या आप अपने उसूलों को भूल गए केसी के कारण? मैं शुरुआत से जानता था कि वह मुझसे झूठ बोल रही है, मगर फिर भी उसने बचाने की कोशिश की। और उसे डर था कि मुझे हर्ट होगा। मेरे सामने उसका दिल साफ है। उसे डर था कि मैं टूट जाऊंगा, और इसलिए उसने प्यार दिया। उसने पूरे दिल से मुझे गले लगाया। वो उम्मीद करती है कि मैं उसे पूरे दिल से प्यार करूं, तो मुझे उस पर यकीन है। उसे पता मत लगने देना कि मैं उसके बारे में सब कुछ जान चुका हूं। अगले हफ्ते आखिरी कंपटीशन होगा। मैं नहीं चाहता कि उसे इस चीज का कोई फर्क पड़े। समझ गए? बस, क्या पागल हो? मान लो कि यह मेरा एक ऑर्डर है, और अगर
मैं तुमसे बात कैसे नहीं करता पागल लड़की। मैं हमेशा तुम्हें बचाने के लिए साथ रहूंगा और तुम्हें हर्ट नहीं होने दूंगा। हेलो डॉक्टर। हेलो मिस्टर ज़ू, आई एम सॉरी, आपको परेशान करने के लिए माफी चाहता हूं, पर प्लीज जल्दी हमारे स्टूडियो आ जाइए। देखिए, जब आखिरी बार आपने अपना ट्रीटमेंट करवाया उस समय आपने कुछ नोटिस किया, कुछ गलत? उस वक्त कुछ आवाजें सुनाई दे रही थी जिसने मुझे अनकंफर्टेबल कर दिया। सिर में दर्द होता है और हेलमेट पहनने के बाद तो ज्यादा होता है, पर हाल ही में मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ। ऐसा मेरे साथ भी हुआ था। लगता है हेलमेट में कनेक्ट हुई इलेक्ट्रिसिटी ओवरलोड हो गई थी, उससे सरदर्द हुआ होगा। अब तक हमने उसे नजरअंदाज किया। आई एम सॉरी, हमारी गलतियों से आपको परेशानी हुई। कोई बात नहीं, हम फिर से शुरुआत करेंगे। ठीक है। ठीक है, ये पहनो। अनकंफर्टेबल तो नहीं है ना? बस ठीक है, ये ठीक है, बस हाँ, थोड़ा एडजस्ट, थोड़ा सा इस तरफ। हाँ, अब ठीक है, बढ़िया। डेटा फ्लक्चुएशन, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो को नॉर्मल पीक वैल्यू में एडजस्ट करो। बंद करो, जल्दी करो। ठीक है। सिर दर्द के अलावा भी और कई चीजें हैं। जब हम आखिरी बार गए थे तब हमारा रिश्ता बदल गया था। ये नहीं समझ पाएंगे जो मैं कह रहा हूं। वो केसी और मैं एक साथ जुड़ गए थे। जुड़ गए थे? क्या मतलब है आपका? आसान भाषा में, उसका दर्द मेरे अंदर चला गया था और मेरे इमोशंस उसके अंदर। समझ गए? ये गलतफहमी प्यार की वजह से हुई? नहीं डॉक्टर, हमने पहले बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए इसे शिफ्ट करने के लिए, लेकिन सब फेल हो गए। क्या आप हमारी प्लीज मदद करेंगे? लोग जो प्यार में हैं, वो लोग और एम्पैथी ढूंढेंगे, जिसके कारण आपको इल्यूजन्स हैं, आपको ये चमत्कार लगेगा।
नहीं डॉक्टर, अब मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट दिखाती हूँ। ये गर्म पानी है, जब मैं अपनी उंगली इसमें डालूंगी तो इससे दर्द होगा। मैं कर रही हूँ। ठीक तो हो? पागल हो क्या? दर्द हुआ? हाँ? आपके प्यार की बीमारी मेरी समझ से बाहर है। ये कैसे हुआ? क्वीन एंजल की तरह है। मुझे दर्द महसूस हो रहा है। आखिरकार मैं कंपटीशन में पार्ट ले सकती हूँ। अब मेरा दर्द तुम्हें फील नहीं होगा। क्या आप भी मेरी उतनी ही फिक्र करोगे जैसे पहले करते थे? अब उसे मेरे इमोशंस फील नहीं होंगे। हो सकता है कि उसे पता चले कि वो मुझसे प्यार ही नहीं करती। मॉर्निंग। मॉर्निंग। कैसी?
प्लीज अंदर जाइए। हाँ। हाँ। प्लीज। हेलो मिस्टर ली, हमें इस बार साथ में काम करना है। हाँ। बैठो बैठो, चेयरमैन हूँ। हेलो 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 वेलकम वेलकम। बैठो बैठो। आपके हाथ में अभी जो चार्ट है वो हेगे ग्रुप का शेयर होल्डिंग रेशो चार्ट है। आप देख सकते हैं शूनुओं के सारे शेयर्स उस जगह से कम हो रहे हैं जहां उसे बीओडी से बाहर निकाला जा सकता है। और आप देख सकते हैं इसमें इन दो महीनों के हेगे ग्रुप के शेयर प्राइस की टेंडेंसी पिक्चर है, जब कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस नहीं है और सभी सब्सिडरीज अच्छे से काम कर रही है। हेगे ग्रुप का स्टॉक प्राइस नीचे जा रहा है। शूनुओ मुसीबत में था तब उसने अपनी इक्विटी लो प्राइस में ट्रांसफर करने इक्विटी ट्रांसफरिंग मीटिंग बुलाई। मैंने किसी को रखा है जो चुपके से उसके सारे बेचे हुए शेयर्स खरीद लेगा ताकि मैं हेगे ग्रुप को बचा सकूं। लगता है मिस्टर रू ने इस बार अपनी टीम बढ़ा दी है। मैं आपका साथ दूंगा। शूनुओ लापरवाह था, मुझे भी वो खास पसंद नहीं। वो अपनी मनमानी करता है, उसने कभी हमारे फैसले को सीरियसली नहीं लिया। हमेशा से हम यही देखते आए हैं। सही कहा। तो इस महीने को देखने के बाद मैं आप सबको यकीन दिलाता हूं कि शूनुओ सिर्फ एक एंटरप्राइज हंटर है और कुछ नहीं। मैनेजमेंट के बारे में कुछ नहीं जानता। हेगे ग्रुप हमारी प्रॉपर्टी है, उसे अपनी कंपनी देना यानी कि अपनी खुद की प्रॉपर्टी देने जैसा है एक खर्चीले को। तो मैं आप सबको यही कहूंगा कि हेगे ग्रुप से शूनुओ की पावर हटाने के लिए एग्रीमेंट पर आप सब लोग प्लीज साइन कीजिए। यूनजू। ओ जिशाओ, अरे नहीं प्रोड्यूसर, तुम यहां कैसे? थैंक यू यूनजू, मदद करने के लिए शुक्रिया। अब तुम मुझे चेयर करने नहीं आओगे? तुम्हें उसकी जरूरत नहीं है, मुझे तुम पर भरोसा है। गेम के बाद अगर मैं जीती तो तुम्हें मुझसे एक प्रॉमिस करना होगा। ठीक है। पूछोगे नहीं कि कौन सा प्रॉमिस? जो भी हो। तुम्हें सुनने के बाद मैं अपना बेस्ट दूंगी। अगली रेसल गर्ल्स की टू हैवीवेट्स का स्वागत करते हैं, रेसल गॉडेस ली योंजो और इनकी कॉम्पिटिटर कोई और नहीं, मास्क वाली लड़की है। इस साल ली योंजो ने 17-0 का रिकॉर्ड रखा और 9 बार अपने दुश्मनों को हराया, जबकि इनकी काउंटरपार्ट मास्क वाली लड़की जोशीली रेसलर है जिसने कभी फॉर्मल गेम्स नहीं दिखाई। एक रिपोर्टर ने कहा ली योंजो जिसे भी वापस लाती है वो पक्का जीत जाती है, पर उन्होंने मास्क वाली लड़की को गेम में इनवाइट किया है और उनके जीतने के 90% चांसेस हैं। तो फाइनल रिजल्ट क्या होगा, चलिए देखते हैं। इधर आइए, हाई फाइव। हाँ अब जाइए। आप देख सकते हैं मास्क वाली लड़की अपना फर्स्ट और फी टेक्निक यूज कर रही है।
रेसल गॉडेस ली उन्जो से झुकने से बचने के लिए। ऑडियंस जो ली उन्जो को जानती है उन्हें पता है क्वांगहू से हेहू तक सबसे बड़ा थी। उसके ग्राउंड टेक्निक में इम्प्रूवमेंट हाँ। हुआ है। ली उन्जो की हिम्मत गेम देखते हुए अपने फोन से मत खेलो। लाइव कमेंट्स कर रहा हूँ। क्या कमेंट्स है? किसी हार जाएगी ऐसे कहने वालों की बैंड बजा रहा बचकाना। तुमने देखा ना उसकी फिस्ट कितनी पावरफुल थी। कोई अपनी बड़ी बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? वो तो ऐसे दिखा रही है जैसे वो उसकी दुश्मन है। क्या हुआ? चेहरे पर कुछ लगा है क्या? आपको आपके इमोशन हटो। किसी को कितना दर्द हो रहा होगा ना, वो उसको इतने जोर से क्यों मार रही है? उसे रुकने को कहो। हाँ उसे रुकने को कहो। मैं कर सकता हूं, मैंने स्पॉन्सर किया है तो मैं ऐसा कर सकता हूं। क्या कर रही हो? ग्राउंड पर मत लड़ो। ग्राउंड पर कैसे लड़ सकती हो? उसने तुम्हें पकड़ा था। अब ये लास्ट राउंड है, तुम्हें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। उसे नीचे दबा के रखना, ऊपर मत आने देना। समझ गई ना मैं क्या कह रहा हूँ? उसे हमेशा काबू में रखना। तो सेकंड राउंड के लिए तैयार हो जाइए। दोनों प्लेयर्स के स्टाफ मेंबर प्लीज फील्ड से बाहर हो जाइए। लियोन्ज़ो क्या तुम रेडी हो? हाँ। मास्क लेडी क्या तुम रेडी हो? चलो फाइट। नेक्स्ट हम स्कोर अनाउंस करेंगे। रेसल गर्ल्स का फाइनल गेम, मास्क वाली लड़की सिर्फ एक पॉइंट से जीत गई है। ये कैसे लेकर दिखाया? कभी डरना नहीं, कभी हारना नहीं, सबको पीछे छोड़ दो।
पर तुम्हारा सपना देखने के बाद तुम छा गई हो। बॉस, क्या आप सच में बहुत ही प्यार में हो? मिस्टर शु, वो डोंगे अपने लोगों के साथ आ रहे हैं। हाँ, इतनी जल्दी? ठीक है मिस्टर शु, इतने डिवोशन से आखिर क्या देख रहे हो? तुमने तो ये सोचा भी नहीं होगा कि तुम्हारी बॉडीगार्ड गर्लफ्रेंड बदल गई है एक नए रेसलिंग स्टार में। हाँ मिस्टर वू, ये सारा ड्रामा मतलब क्या है आपका? हेगे मीडिया ग्रुप ने चेयरमैन जाओ के नाम पर एक ग्रुप बीओडी को बुलाया है। सभी मौजूद बोर्ड मेंबर्स ने डिस्कस और अप्रूव किया है। तुम्हें हेगे मीडिया के जनरल मैनेजर के नाते सब पोजीशन से निकाल दिया गया है और सब्सिडरी कंपनीज में बाकी सभी पोजीशन से भी। मैं वू डोंगदे हेगे मीडिया का न्यू चेयरमैन ऑफ इंचार्ज हूं, सीईओ। अब तुम्हारा जॉब मैं लेता हूं। सी, मिस्टर शु मुसीबत में है, ये देखो। सूत्रों के अनुसार वू डोंगदे ने कई महीनों से छुपकर बाकी शेयर होल्डर्स के साथ एक प्लान बनाया जिससे शूनो को एक्सपोज किया जा सके। शूनो ने हेगे ग्रुप को धोखा नहीं दिया, वो ऐसा कभी नहीं करेगा। ऐसा नहीं हो सकता, मैं उसकी गवाही दूंगी। तुम क्या करने वाली हो? मिस्टर वो की गलती दिखाने हेगे ग्रुप जा रही है। सी, प्लीज रुको, रुको प्लीज। जरूरत के वक्त ही कभी फोन ही नहीं उठाती। सी, लौट जाओ, बिल्डिंग की सिक्योरिटी को फोन करो और इनको बाहर निकलवाओ। ठीक है। जॉब लेने से पहले 10 दिनों में सारा काम हमारा होना चाहिए। मिस्टर वू, वू डोंगदे, 10 दिनों में वापस आना। चेयरमैन पोजीशन के आखिरी दिनों के मजे ले रहे हो? बेवकूफ बन के कैसा लगता है? हाँ, तुम्हें लगता है केसी तुमसे प्यार करती है? शुरुआत से ही तुम्हें बेवकूफ बना रही है, फायदा उठा रही है। और तुम तो हमेशा खुद को स्मार्ट आदमी समझते हो, एक पागल लड़की से बेवकूफ बन गए तुम। हाँ, शेम ऑन यू। अब तुम उससे इतना प्यार करते हो तो फिर लड़ना बंद करो, समझ गए? वरना अगर उससे पीछा छुड़ाना है तो ये चींटी को मारने जैसा होगा। हाँ, वो दिन याद करो जब तुम्हारे माता पिता मर गए थे। अगर तुम मेरी बात मानोगे तो सी को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। हमें अंदर जाके इंटरव्यू लेने रुको। हाँ, बहुत दिनों बाद मिली हो। अरे लगता है आ गए। वो लोग आ गए हैं। वो आ गए, वो आ गए। शांत हो जाओ। हाँ, अंदर ही हूँ। अभी अभी आई हूँ। हाँ, तुम अंदर कहाँ जा रहे हो?
बॉस, पैसे कहाँ हैं? 200 मिलियन इन्वेस्टमेंट के बिना हम रिस्क नहीं ले सकते। मैं गलत था। हाँ, उसे फंसाने के लिए मुझे रिस्क वाला तरीका नहीं लेना चाहिए था। शुरुआत से ही मुझे किसी को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए था। बॉस, इस वक्त भी आप केसी के बारे में सोच रहे हो? मिस्टर शू, मीटिंग खत्म हो गई। केसी कहाँ है? केसी यहाँ नहीं आई। क्या वो तुम्हारे साथ नहीं होनी चाहिए? ये पॉसिबल नहीं, उसे तो आना चाहिए था। अगर तुम्हें उसका पीछा छुड़ाना है तो ये चीटी को मारने जैसा होगा। वो तोड़ते हैं। चलो। मिस्टर वू ने कहा है तुम्हें सबक सिखाने के लिए। केसी, केसी, क्या हो रहा है? ये कैसे हो सकता है? ये कहां पर है? मैं भी नहीं जानता। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ है। मैंने पूछा कि ये कहां पर है। वहां पार्किंग मुश्किल है, कम लोग वहां पर पार्क करते हैं सर।